मैं डॉक्टर राजेश सिंह गौर, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3, टीजीटी पीएचई, आज दिवस के उपलक्ष्य में कुछ वार्ता सभी के लिए सम्मिलित हो रहा हूं। बड़े हर्ष का विषय है कि आज मेजर ध्यानचंद जी का जन्म शताब्दी पूरा भारतवर्ष मनाया जा रहा है। इसके उपलक्ष्य में केंद्र सरकार ने खेल दिवस मनाने का कई वर्ष पहले निर्णय ले चुकी है। इस वर्ष सभी लोग, जिसमें विभिन्न संगठन, चाहे केंद्रीय विद्यालय हो, प्राइवेट स्कूल्स हो, कुछ भी संस्थाएं, स्पोर्ट्स संस्थाएं, इनके जोर तोर से हमारे खेल के लिए तत्पर है मनाने के लिए। ऐसे महान हस्ती के लिए आज हम नमन करते हैं। देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है। मेजर ध्यानचंद जी का जन्म, हम बता दें, 1905 में हुआ था। मेजर ध्यानचंद जी शुरुआत में हॉकी नहीं खेला करते थे। इनके पिताजी श्री सिंह जी, पिता शारदा देवी सिंह, भाई रू सिंह थे। इनके पिताजी ब्रिटिश भारतीय सेना में एक सिपाही थे, जिनका लालन पालन दोनों भाइयों का कई ट्रांसफरों के तहत कई शहरों में बीता है, और जिसके तहत हम ध्यानचंद जी ने 6 क्लास में अपनी पढ़ाई को स्टॉप करनी पड़ी थी बीच में। उसके बाद विक्टोरिया विश्वविद्यालय जो ग्वालियर में है, वहां से इन्होंने स्नातक किया। निरंतरता को रखते हुए सेना में इनकी भर्ती हो गई, ब्रिटिश भारतीय सेना में। इनका 17वां जन्मदिन था उस समय इनकी नियुक्ति भारतीय सेना में हो गई। उससे पहले आपको आश्चर्य होगा कि ध्यानचंद जी कभी हॉकी नहीं खेला करते थे, कुश्ती का शौक था। जब सेना में पहुंचे तो इन्होंने हॉकी खेलना शुरू किया। अब ये बड़ी आश्चर्य की बात होती है, कभी कभी झांसी में ये अपना दोस्तों के साथ हॉकी खेल लिया करते थे, ऐसा उल्लेख मिलता है। मूलतः इलाहाबाद के रहने वाले, सेटलमेंट, क्योंकि सेना में इनके पिताजी थे तो सेटलमेंट में जो है रहने का घर घर बार झांसी में बनवा लिया, तो वहां इनका जीवन काल यहां स्थापित हो गए। 17 साल की उम्र में जब सेना में भर्ती हुए, मेजर ध्यानचंद जी का भी बड़ा किस्सा है कि पहले एक सोल्जर सिपाही के रूप में भर्ती होके मेजर तक पहुंचना जो तो आसमान की सीढ़ी को छूना है के बराबर है। सभी लोग जानते हैं इस चीज को कि वास्तव में मेजर तक पहुंचने की एक बड़ी लंबी कहानी है जो उन्होंने कर दिखाया है। इसका हमें बड़ा गर्व होता है भारतीयों को। मेजर जी के बहुत से किस्से हैं। ध्यानचंद जी जब पहला ओलंपिक खेलने के लिए गए थे तो उन्होंने गोल पर गोल ऐसा करके इन्होंने अपनी उस योग्यता को हासिल किया और भारतीयों का नाम रोशन किया। लगातार 3 ओलंपिक में गोल्ड मेडल प्राप्त किया इनके संरक्षक। ऐसा ही एक वाक्य आता है जर्मनी का ओलंपिक, जहां का राजा या हिटलर, जैसे हिटलर था,
वो बड़ा प्रभावित हुआ ध्यानचंद जी से। ध्यानचंद जी ने जब 8-1 की फाइनल मैच में 8 गोल और 1 गोल जर्मनी का, ये देखकर हिटलर तो हिटलर था, उन्होंने ध्यानचंद जी को बुलवाया। ध्यानचंद जी से कहा कि आप खेलने के अलावा क्या करते हैं। ध्यानचंद जी ने बड़े गर्व से कहा कि मैं एक भारतीय सैनिक सिपाही हूं। बोले सिपाही हो, मैं आपको जर्मनी में, जर्मनी सेना में मार्शल बनाना चाहता हूं, आप इसको स्वीकार करिए। मार्शल सोचेंगे आप, वो भी जर्मनी सेना का मार्शल यानी चीफ। इतना बड़ा प्रलोभन देने के बाद भी मेजर जी अपने अड़ रहे और कहा कि मैं भारतीय सैनिक या भारतीय होने का गर्व छुपाए हुए हूं, उसको मैं कभी भी हिलने नहीं दूंगा और मैं अपने भारत में ही नौकरी करूंगा, भारत की तरफ से ही खेलूंगा। बड़े आश्चर्य की बात है, वाह ऐसे थे हमारे ध्यानचंद जी। एक वाक्य दूसरे इंटरनेशनल मैच में का हुआ, जब ध्यानचंद जी मैच में खेल रहे थे, ध्यानचंद जी ने गोल मारा और गोल पोस्ट की पोल से टकरा के बॉल वापस आ गई। उन्हें आश्चर्य हुआ, मैच खत्म हुआ क्योंकि निर्णय तो हो चुका था। उन्होंने ऑब्जेक्शन किया और कि ये गोल पोस्ट जो है कुछ छोटा बना हुआ है, तो वहां की जूरी ने स्वीकार किया और गोल पोस्ट को नापा गया, वो वास्तविक वो छोटा था। मतलब बारीकी देखो, उन्होंने 1 इंच तो बहुत होती है, सेंटीमीटर और जीरो के बराबर माप को अपने स्टिक से इस पैमाने पर गोल को मारा और बता दिया कि वास्तव में हमारा लक्ष्य और ध्येय क्या होना चाहिए। बिल्कुल सटीक। मेजर जी के बहुत से किस्से हैं, एक किस्सा उनमें और भी आता है। ऐसा ही किस्सा वर्लिन ओलंपिक में था, जब मेजर जी खेल रहे थे तो गोल पे गोल किए जा रहे थे, लोगों को लगा कि इनकी स्टिक में कोई इस तरीके के कोई यंत्र लगा है या कोई गम लगा है या कुछ ऐसा चुम्बक है जो बॉल को चिपका लेती है और लेके दौड़ के चले जाते हैं और गोल कर देते हैं। ऐसा संभव नहीं है, बगैर बाके कुछ हो जाए। लोगों ने देखा, हॉकी को तोड़ा गया, हॉकी का ही उसमें कुछ था ही नहीं, हॉकी लकड़ी की थी। वास्तव में वो एक लक्ष्य को प्राप्त करने वाले महान जादूगर थे। हां उनकी लय दौड़ थी, वो जरूर इतनी स्पीड नहीं थी लेकिन लय बंद थी, सटीक थी। उनका लक्ष्य प्राप्त करने का तरीका बिल्कुल अलग था। बड़े महान ध्यानचंद जी, उनके दो भाई थे, एक स्वयं ध्यानचंद जी मेजर जी, दूसरे रूप सिंह जी, वो भी अपने भारत के लिए खेले हैं और ओलंपिक में उनका भरपूर साथ दिया है। उन्हें भी गोल्ड मेडल, इनके ओलंपिक में 7वें गोल्ड मेडल में सहभागिता की है। मेजर जी के बहुत से ऐसे किस्से हैं जिनको सुन के हम भावविभोर होते हैं। बच्चों को चाहिए कि आज के दिन उनको नमन करें और उनसे कुछ सीख लें। और नम स्वभाव के थे, पिताजी के कुछ परिस्थितियां थी, इस कारण से एक शहर में न रहते हुए दूसरे शहरों में उनका ट्रांसफर होते रहे, लेकिन उनका प्रभाव उन पर बिल्कुल देखने के लिए नहीं मिला। लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए अगर कोई, तो निश्चित तौर पे मेजर जी से सीखना चाहिए। मेजर ध्यानचंद जी का स्मरण करते हैं
और मैं इसी तरीके से दिन कटते गए और मेजर जी की शादी हुई, उनके एक बच्चा हुआ, उसका बच्चे बच्चा हुआ, वो भी ओलंपिक खिलाड़ी हैं, उन्होंने भी मेडल प्राप्त किया है। आज मैं ऐसे महान हॉकी के जादूगर को सच-सच नमन करता हूं। बच्चों, ये हमारे मेजर ध्यानचंद जी की बात है, क्योंकि खेल दिवस के रूप में आज नेशनल स्पोर्ट डे मनाने जा रहे हैं बच्चों, तो इसलिए मैं आज खेल की कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं। खेल कैरियर क्या है? खेल हमारे जीवन में खेलों का क्या महत्व है? आइए मैं इस पर बात करता हूं। तो बच्चों, खेलों का तो हमारे श्री कृष्ण भगवान के समय से ही, या उससे और बड़ा भी इतिहास हो सकता है, कि वो कुछ खेला करते थे, कबड्डी खेला करते थे, रग्बी बॉल खेलते थे, जो कि जाके यमुना जी में चली गई और बॉल को निकालने के लिए सखाओं के साथ में वो कूद पड़े, ये उल्लेख हमें मिलता है। लेकिन उसके पहले कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं बने थे, और उसमें केवल हमारे बलिष्ठता बलिष्ठ शरीर को बनाने के लिए ही ये काम उस समय किए जाते थे। लेकिन आज खेलों ने हमारे कैरियर का रूप भी ले लिया है। आज बच्चे पढ़ाई के साथ साथ हमारे खेलों में भी कैरियर बना रहे हैं। बच्चों, खेल कैरियर क्या है? तो इसमें हम विभिन्न कोर्सों के माध्यम से बहुत दूरगामी नौकरियां अच्छी पा सकते हैं और स्वयं का भी व्यवसाय कर सकते हैं। जैसे पटियाला में एनआईएस है, बेंगलोर में है, गांधीनगर में है, ऐसे इसके 4 सेंटर हैं। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके तहत हम कोर्स करते हैं एनआईएस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स से। तो हमें कोच की वैकेंसीज के मिलती है। बायो मैकेनिक्स एक कोर्स है, फिजियोथेरापिस्ट, फिजिकल फिजियोथेरापिस्ट ये भी है, विभिन्न प्रकार के कोर्स, बीपीएड, एमपीएड, एमफिल। इसमें जिस प्रकार से सामान्य पढ़ाई में हम बीए, बीएससी, एमएससी करते हैं, इसमें इसमें भी हम लोग पीएचडी करते हैं। इसमें भी हम लोग जितनी ऊंचाइयों की पढ़ाई, एमफिल, जितने भी हम लोग डॉक्टरेट हमने स्वयं ने किया हुआ है, तो इसमें बड़ी संभावना है। स्वयं का जिम लगा सकते हैं, स्वयं का इंस्ट्रूमेंट बनाने की फैक्ट्रियां डाल सकते हैं। आज खेल कैरियर में स्वयं पहले तो हम एक चीज जरूर देखते हैं, कैरियर है, साथ में हमें हमारी शारीरिक वरिष्ठता और बुद्धि को, अगर दोनों का तालमेल, कहते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन वास करता है, इसी को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। पहले खेलने से पहले ये नियम बनाए कि हम सुबह 1 घंटा डेली डेली इसका हम कहीं ना कहीं रनिंग करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, तो इस शरीर हमारा बलिष्ठ रहेगा, तो हमें पढ़ने में भी मन लगेगा। कहते हैं खेल के साथ पढ़ाई और पढ़ाई के साथ खेल, ये चल सकते हैं, दोनों का तालमेल है, दो पहियों की गाड़ी है। जिससे जिसका शरीर स्वस्थ है उसका मन स्वस्थ है, मन स्वस्थ है तो हर किसी में लगेगा। इसी के लिए एक एग्जाम्पल है, मान लीजिए मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल को हम बाकायदा मेंटेन रखते हैं, ऑयल कराते हैं, ऑयलिंग कराते हैं, उसकी सर्विसिंग कराते हैं, उसमें पेट्रोल प्रॉपरली डालते हैं, तो गाड़ी अच्छी चलती है। पार्ट उसका एक भी खराब हो गया, अगर ऑयल नहीं डाला तो उसका एक पार्ट खराब हो गया, वो खट खट करने लगेगी, बंद हो जाएगी। इसी तरीके से हमारा स्वास्थ्य भी है। स्वास्थ्य में अगर हम लोग डाइट नहीं लें, डाइट खेलने का, खेल में एक चीज बड़ी महत्व, जिस तरीके से मैंने गाड़ी का एग्जाम्पल दिया, हमारा शरीर भी एक गाड़ी है। इसके लिए हम बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशन, बैलेंस डाइट में क्या क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट से लेके वसा, मिनरल, विटामिन, से बहुत सी चीजों को बना के हमारी बैलेंस डाइट बनी हुई है। इसको कहीं ना कहीं हमें बहुत जीवन में ध्यान रखना है। सुबह उठ के भरपूर नाश्ता करना है, किस मात्रा में क्या लेना है ये सभी लोग जानते हैं, बच्चे नहीं जानते हैं तो हमारा आजकल यूट्यूब भी है, उस पर भी हम लोग सर्च कर सकते हैं।
हम लोग जानते किसी चीज में हो सकता है कि कोई एलर्जी एलर्जेटिक बच्चा होता है कि नहीं खाना है इसमें, लेकिन हमें विटामिन मिले, ये उसका सब्स्टिट्यूट भी बना हुआ है, उसका सब्स्टिट्यूट है, तो उसको भी लोग ले सकते हैं। मांसपेशियां हो या हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट हो, हमें खाना, हमें बैलेंस डाइट पर बहुत ज्यादा जोर देना है। अगर हम खेलते 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 रहेंगे और डाइट नहीं लेंगे तो हमें हमें क्या, निश्चित तौर पर ये तो एक बात ही है कि हमें शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगी। इसलिए बच्चों को ये बात ध्यान देना है कि प्रॉपरली बैलेंस डाइट लें और टाइम टेबल बनाए खेलने का, साथ में पढ़ाई का टाइम टेबल है। आजकल के दौर में ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, बच्चे खूब ऊब रहे हैं, नहीं चाहते हुए भी क्लास लेना पड़ती है क्योंकि मजबूरी है, कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल से आप लोगों को बचाव भी करना है। कोरोना में अगर लापरवाही बरती तो घटना घटी, इसके तहत आपको बचाव भी करना है और पढ़ना भी है, मजबूरी है। अब कब तक ये कोरोना काल चले इसका कोई भी, क्योंकि महामारी है, पूरे विश्व व्याप्त है और तेजी से बढ़ रहा है, इसके तहत आपको इम्यूनिटी बढ़ाना है। इसमें एक पार्ट इम्यूनिटी, अब ये भी इसका एक अंग है इम्यूनिटी, यानी कि आप उनको क्षमता, शारीरिक क्षमता को बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है, आपको फिट इंडिया के तहत रोज टीचर आपके बोलते हैं कि आप कितने किलोमीटर दौड़े। ये भारत सरकार केंद्रीय विद्यालय संगठन में भी लागू किया गया है फिट इंडिया को, कि जिससे बच्चे हमारे रिकॉर्ड रहे कि कौन सा बच्चा 1 किलोमीटर दौड़ा, 500 मीटर दौड़ा, या छत पर रनिंग किया, एक्सरसाइज किया, योगा किया, क्या किया उसने, सारा रिकॉर्ड जा रहा है। ये संगठन की तो ये चलो गाइडलाइन है, टीचर्स के लिए गाइडलाइन है, मांग रहे हैं, उन्होंने दिया, आपको बता दिया, ये आपकी भी जवाबदारी और ड्यूटी बनती है कि आप अपने शरीर को स्वस्थ रखें। ये कोई पढ़ाई का पार्ट है, मजबूरी नहीं है, आप इसको हार्दिक दिल से लें कि हमें ये करना ही है। और इसको, इस काल को भी निकाल दिया, 5 महीने निकल चुके हैं, और इसी काल को हो सकता है 1-2 महीने में भगवान चाहे तो ठीक हो जाएगा ये सब, और फिर से हम लौट के जमीन पे आएंगे और उसको हम लोग फिर खेलेंगे। लेकिन खेलने के साथ साथ हमें अभी पहले कहीं कहीं शरीर को, अपन को बलिष्ठ बनाए रखना है, और इसके तहत आपको सुबह दौड़ना है, रनिंग करना है, योगा करना है, एक्सरसाइज करना है, साइकिलिंग करना है, जो भी आपको उचित लगता है, फिजिकल एक्टिविटीज मस्ट, आपको बहुत जरूरी है, आपको करना ही पड़ेगी। फिर आप कैरियर बनाने के लिए सोच रहे हैं तो कैरियर मार्गदर्शक हम आपके खुद के केंद्रीय विद्यालय में हम लोग जो है उपलब्ध हैं, जिससे हम लोग मार्गदर्शन करेंगे आपका फिजिकल एजुकेशन का और खेलों कूदों का। आपके केंद्रीय विद्यालय ने एक योजना और चलाई है जो बच्चों को भी पता नहीं है, जिसको लिए मैं शेयर करना चाह रहा हूं। केंद्रीय विद्यालय ने साई स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से एक अनुबंध किया है कि उनके बच्चे जो अच्छे हैं, जो नेशनल्स खेले हैं, जो नेशनल खेल रहे हैं, उनकी शारीरिक क्षमता की टेस्ट होगी, और उनके तहत जो भी बच्चा चयनित होगा, पिछली बार फिट इंडिया केंद्रीय विद्यालय ने हॉस्टल खोल रखे हैं, उनकी सारी की सारी फीस, सारे के सारे खर्चे, चाहे वो ट्रैक सूट हो, शूज हो, चाहे खाना हो, चाहे पीना हो, रहना हो या पढ़ाई हो, टोटल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी। और कब तक करेगी, कि जब तक ये 12th कर ले, जब तक सर्विस नहीं लग जाए, ऐसा उनका अनुबंध होता है। अब बहुत बड़ी बात है, इसलिए बच्चों को मैं प्रेरित कर रहा हूं। अपने मध्य प्रदेश में भी एक सीधी जिला है, वहां केंद्रीय विद्यालय है, वहां भी एक हॉस्टल बना हुआ है अपने एक साई का, स्पोर्ट ऑफ इंडिया का, केंद्रीय विद्यालय का, दिल्ली में है, मेरठ में है। इसमें आप अगर कैरियर बनाना चाहते हैं तो गार्जियंस का पैसा भी नहीं लगेगा, और आप उसमें हॉस्टल्स में भी अच्छी अपनी लाइफ को जीतेंगे, अपने निश्चित तौर पर एक अच्छे खिलाड़ी बन के अपना कैरियर बनाएंगे। बहुत सी योजनाएं,
जिन खेलों के माध्यम है, खेल कोई भी हो, उस खेल के आप चाहेंगे तो निश्चित तौर पे आप आगे बढ़ सकते हैं। भावी पीढ़ी से मैं यही दरखास्त करना चाहूंगा, पढ़ाई के साथ साथ अगर जो बच्चे हमारे पढ़ाई में थोड़े से कमजोर भी हैं और खेल में अच्छे हैं तो खेल की ओर रुझान करें, मेरा मार्गदर्शन उनके लिए सदैव तैयार रहेगा। और मैं वादा करता हूं केंद्रीय विद्यालय नंबर 3 में जब हम लोग आते हैं उस समय के अलावा भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सागर जो हमारा है उसमें बच्चे आते हैं, मैं उनको भी निःशुल्क खिलाता हूं, मैं अपना टाइम देता हूं उनको, यहाँ स्कूल का टाइम के अलावा वो बच्चे आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम, और आते हैं। और वो बच्चों में कुछ ओपन नेशनल्स भी खेल रहे हैं, चाहे वो ताइक्वांडो हो, चाहे वो हमारा कबड्डी हो, कोई भी गेम चुने और उसमें अपना कैरियर बनाए। मेरा तो खेल के प्रति लगाव बहुत जरूरी है, इस कारण से आपको ध्यान रखना है। आज के दिन मैं फिर से सभी भारतवासियों को खेल दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और महान मेजर ध्यानचंद जी को नमन करता हूं। धन्यवाद। Staff members of Kendriya Vidyalaya No. 3 Sagar. Today we celebrate National Sports Day, also known as the Rashtriya Khel Divas, which is observed on 29th August every year and coincide with the birthday of legendary hockey Olympian Dhyan Chand Singh. Children, we live in a country where the people have been conditioned to dote over cricket and football. Few know that India dedicates an entire day to celebrate the glory of all kinds of sports. This day was first inducted into the long list of celebratory days in 2012. Ever since then, it has been the center of attraction for ardent sports lovers of the country. The sole reason behind celebrating this day lies in championing the spirit of sportsmanship and propagating the message of various sports, all in the combined efforts to promote sporting talent. Today, we remember India's rich sporting history, particularly the exemplary figure of Padma Bhushan awardee Dhyan Chand Singh, who clearly cuts out the mark for himself. The persona of Dhyan Chand was regarded as a prodigy in the field of hockey. Do you know, children, that Dhyan Chand Singh joined the army at the early age and learned the game of hockey from his coach? He quickly picked up the technique of ball dribbling, which led him to become the captain of the Indian hockey team. Due to his extraordinary skill, he was named as Chand. During his year as a professional hockey player, he won the Olympic gold medal on 3 occasions, that is 1928, 1932 and 1936, cementing his position in the pages of history. And till date, he remains the only hockey player who has won Padma Bhushan Award. His lifetime awards and achievements in his sports are considered as the highest point in the history of Indian sports. More famously, during the 1936 Berlin Olympics, in the outset of World War II, Adolf Hitler was visibly impressed by seeing this hockey ka jadugar at play. The colorful personality of Dhyan Chand Singh is well remembered because of his tacit refusal in saluting the great dictator during the hockey final against Germany in 1936. However, Hitler was so overwhelmed by Singh and his performance against the fatherland that he desired to buy Singh's hockey stick out of admiration for the 3-time Olympic gold medalist. The celebration of this day highlights the overall importance of sports and gives a nudge to the masses in realizing the necessity of sporting activity in maintaining a healthy and fit body. The lessons of previous sports are remembered on this day, whilst the presence and budding sporting icons are lauded.
The spirit of healthy competition is encouraged and different schools organize races and matches in celebration of the day. The other important event that takes place on Dhyan Chand Singh's birthday is that the Rashtrapati Bhavan in Delhi organizes the special award ceremony in honor of the sporting hero. The President of India takes this day to hand out the prestigious award like the Arjun Award, the Rajiv Gandhi Khel Ratna Award and the Dronacharya Award to the various sportsmen who have done the country proud in the year. The Dhyan Chand Award is synonymous to the Lifetime Achievement Award in sports and is the highest on the list. After the death of Major Dhyan Chand in 1979, the Indian Postal Department also paid tribute to Major Dhyan Chand and issued stamps in his honor. As a tribute to him, the National Stadium of Delhi was also renamed Major Dhyan Chand Stadium, Delhi. The Rashtriya Khel Divas patronizes in promoting sports talent, whereby India can scale higher glories in the international sphere. Most importantly, the day celebrates every sport as an equal and the limelight is not cast selectively but shines bright on every one of them, kindling the fire and passion within the athletes anew. Stressing the need to stay fit and healthy, this day is observed to spread awareness on the importance of sports and daily activities in every individual's life. The Government of India has announced the National Sports Award 2020 on 22nd August. For the Arjun Award, 27 sports persons have been selected this year and 5 names for Rajiv Gandhi Khel Ratna Award, which is the country's highest sporting honor. Today, that is 29th August 2020, these awardees will receive their awards from the Rashtrapati Ramnath Kovind at a specially organized functions from Rashtrapati Bhavan through virtual mode. The 5 Khel Ratna winners of the year 2020 would be the star cricketer Rohit Sharma, wrestler Vinesh Fogart, Paralympic gold winner Mariyappan Thangavelu, TT player Manika Batra, women's hockey team captain Rani Rampal and the athlete Duti Chand. They all shall be awarded with Arjun Award today. On the occasion of National Sports Day 2019, Honorable Prime Minister Narendra Modi launched the nationwide Fit India campaign that aims to encourage people to inculcate physical activity and sports in their everyday lives. Sports are considered very important for the physical and mental development of humans. The sporting legends of India like P.T. Usha, the Udampalli, Sachin Tendulkar, the Master Blaster, the Major Dhyan Chand, the Hockey Wizard have been the source of inspirations for generations to come. Children's involvement in sports develop team spirit, mental and physical toughness. Sports shapes our body and makes it strong and active. So active participation in sports is important for all of us and to avoid being tired and lethargic. Now, I would like to emphasize that one should not confuse sports with game. It is important to distinguish between them. The meaning of both overlaps over a large area. Sports are more inclined to development of the individual in physical and mental way, while games might include the higher element of competition which makes them completely different. Though they might feel the same to majority of people, but they are not. Sports helps a person develop a healthy body. To lead a healthy life, a healthy body is necessary. While it develops muscle mass, sports also improve the health of the mind of a person. A sports person will find it easier to fend off negative and depressive thoughts. Sportsmanship promotes friendliness and it goes beyond just the idea of winning and losing. While it creates a sense of competition between people, it also promotes compassion for the fellow sportsmen and their fans. Further, let us realize that why we talk so much about fitness today. See, fitness is very important to live a healthy life. A body which functions properly is important for leading a fulfilling life. Usually, people do exercise to improve their physique, but sports are one of the best ways to develop a healthy body.
Muscles and bones are strengthened by sports. Different sports sharpens different attributes of the body. For example, cricket and football are one of the most prominent sports. Cricket increases the coordination between the eyes and the hands, while it also helps with stamina. Football also helps increase the stamina, but it also increases the speed. Swimming helps you develop muscles of arms and leg. It also increases the lung capacity and the duration one can hold their breath. It needs to be maintained. Sports also help in addressing that scenario. Athletes tend to have lower body mass index, but non-athletic participants will still benefit from developing muscles and burning calories. Playing sports can help you digest protein and fats, which otherwise would add to your weight. Excessive weight can lead to obesity and diabetes. Active people tend to have lower rates of diabetes and high blood pressure. Exercising regularly through sports programs could contribute to better heart and lung function. Heart and lung diseases can lead to an unhealthy body, slowly making a person weak. If care is not taken, diseases can also be deadly for the person. Sports help your body fight such infections and diseases. Active people have higher chances of battling and overcoming diseases like the pandemic COVID-19 today, because of which we are celebrating this National Sports Day in virtual mode. As you all know that sound mind is important for a sound body. Sports develop your mind in a positive manner. It makes you confident in a decision making. Depression and anxiety cannot easily conquer such person. Athletes house a healthy and active mind, which does not stay stagnant. A mind which is not active is bound to wander off in negativity and negative ideas. Mental health can deteriorate if the mind is kept free, without any activity. Physical activity indulges the mind to focus on how to play the game. The mind starts to work to devise ways to play better, correcting mistakes and making new strategies. As sports demand mental attention, they increase the focus and determination. Sports align the mind in such a way that it becomes easier for a person to work together on different things apart from sports. Apart from building physical and mental health, sports also build self-confidence in a person. Confidence is an important trait of personality of an individual. Without confidence, one would not be able to communicate with people and work efficiently as a part of the society. By participating in sports, one develops a higher self-confidence. When a person plays in sports, he becomes more aware of his action. When his actions help achieve a good score or positive outcome, it brings a positive reinforcement in his mind. This positivity helps the person grow in other fields of life. It also gives the realization that practice and doing something brings improvement. He knows that there are always ups and downs in life. This realization helps him put more efforts every time he tries to achieve that thing. When a person plays a sport multiple times, he might lose something or some time and win at other. It brings the person to the realization that consistency is the key to success. Through this realization, one inculcates a strong sense of leadership. It expands beyond the field of sports. He is more confident in taking decisions and understanding the consequences. A true sports person always inspires the community he lives in, commands respect, and his confidence and decisions are acknowledged. He develops his capacity to lead the charge of people in different areas of life. They can raise voices against the oppressions and injustice towards the minority and the neglected people. Leadership not only works at social scale but also in personal life. One loves to take charge of his own life as he realizes that he himself controls it. A sportsman will find it easier to make decisions of his life than a person who is not physically active. So having control over your life will ensure a good and successful future. Living in today's world, we all know one thing which is vital to be learned is stress management.
While we have multiple things to do and closing deadlines, we become prone to anxiety and panic attacks. Here, sports help us manage stress and channel it productively. As a quote goes, if you are afraid of failure, you don't deserve to be successful. So children, to succeed in life, we need to go through loss at time, but we need to keep trying best every time. Consistency is the key to success. Sport teaches us the value of consistency and how it can transform one's outlook on life. It brings discipline and positive approach into our life. Sports help us create and bring out the best version of ourselves. Finally, my message to you children, the future of our country and to all others is to be thorough sportsmen in every walk of life. Play, study and work hard to fulfill your dreams. Keep yourself fit, stay healthy and safe. Jai. एक पुरानी कहावत है, पहला सुख निरोगी काया। निरोगी काया अर्थात शरीर का स्वस्थ होना। शरीर तभी स्वस्थ होता है जब इसके सारे अंग दुरुस्त हो। दुरुस्त का मतलब वो होता है फिट रहे, और फिट रहने के लिए मेरे हिसाब से खेल से आसान और सरल तरीका कोई भी नहीं है। हर एक खेल व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक और बौद्धिक स्वास्थ्य के साथ गहराई से जुड़ा होता है। यह व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में सदैव मदद करता है। शरीर को फिट रखने, वजन कम करने और सेहत की रखरखाव में खेल हमेशा मदद करते हैं। खेल अच्छे शारीरिक और मानसिक व्यायाम का सबसे आसान और आरामदायक तरीका होता है। एक बच्चा व्यायाम और योग करने के नाम से तो हमेशा भागता है, लेकिन खेल के लिए हर समय तत्पर रहता है। खेल की कहने भर से वह पूरे समय खेलने के लिए तैयार रहता है, और खेल से ही शरीर के हमारे शरीर के सारे अंगों की व्यायाम होता है, कसरत होती है, जिससे कि शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है। खेल से न केवल शारीरिक और मानसिक विकास होता है, खेल व्यक्ति को गलत आदतों, गलत विचारों, अपराध और विकारों से दूर रखता है, जिससे कि व्यक्ति का सर्वांगीण चहुमुखी विकास होता है। खेल अनुशासन लाता है, और अनुशासन आने के कारण व्यक्ति वास्तव में जीवन को एक स्वस्थ तरीके से, एक अच्छे तरीके से जी पाता है। तो यदि हमें अपना शरीर स्वस्थ रखना है, हमें अपना जीवन अच्छे तरीके से निकालना है, तो खेल को हमें अपने जीवन में स्थान देना ही होगा। नमस्कार, मैं अमित कुमार, प्राथमिक शिक्षा केंद्र विद्यालय क्रमांक 3 सागर से। आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, द इम्पोर्टेंस ऑफ फिटनेस इन अवर लाइफ। स्वस्थ होना हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार है। जिसके पास स्वस्थ शरीर होता है वह कईयों से कई गुना अमीर होता है। अच्छा स्वास्थ्य आंतरिक शक्ति, शांत मन और आत्मविश्वास लाता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आज जिंदगी बहुत तेजी से बदल रही है, हर कोई अपने काम में व्यस्त है। इस भागती दौड़ती जिंदगी में हम अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। सफलता पाने के लिए स्वस्थ शरीर का होना बहुत जरूरी है। जिंदगी में आप कितना भी पैसा कमा ले, पर अगर आपने अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया तो सफलता के कोई मायने नहीं रह जाएंगे। आपका सारा पैसा आपकी बीमारियों पर खर्च होगा। सुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए स्वस्थ होने की आवश्यकता होती है। स्वस्थ होने पर हम शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से अपनी क्षमताओं का अधिकाधिक प्रयोग कर सकते हैं। स्वस्थ रहकर हम सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। निरोगी होना हमारे स्वास्थ्य का प्रमुख लक्षण है। स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ और मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। हमारे देश में स्वास्थ्य सुधार पर अधिकाधिक बल दिया जा रहा है। साधारणतया स्वस्थ व्यक्ति का अर्थ होता है वह व्यक्ति जिसका शरीर स्वस्थ हो, मन एवं मस्तिष्क स्वस्थ हो, परिवार स्वस्थ हो तथा स्वस्थ वातावरण में रहता हो।
किसी भी कार्य को सुचारू रूप से कुशलता पूर्वक करने के लिए व्यक्ति का स्वस्थ रहना अत्यंत आवश्यक है। एक प्रसन्नचित निरोग एवं स्वस्थ व्यक्ति ही किसी भी कार्य को कुशलता पूर्वक करने की क्षमता रखता है। स्वस्थ रहने के लिए हम भांति भांति प्रकार के एक्सरसाइज या व्यायाम कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एंड्योरेंस की। एंड्योरेंस एक्सरसाइजेस किसी भी व्यक्ति को हेल्दी एंड फिट रखने में बहुत बड़ी मदद करती है। एंड्योरेंस एक्सरसाइजेस हमारे दिल, फेफड़े एवं सर्कुलेटरी सिस्टम की हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद करती है। दूसरा आता है हमारी स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ हमारी किसी कार्य करने की क्षमता कहलाती है। अपनी मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए हम भिन्न भिन्न प्रकार की एक्सरसाइज या व्यायाम कर सकते हैं जो हमें इंजरी से बचाती है। तीसरा आता है बैलेंस। हमें बैलेंस रखने के लिए हमारी लोअर बॉडी पार्ट्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो है हमारे पैर। बहुत सारी लोअर बॉडी एक्सरसाइज हमारी बैलेंस एबिलिटी को इम्प्रूव करती है। अंत में आता है फ्लेक्सिबिलिटी। हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए स्ट्रेचिंग बहुत अहम रोल अदा करता है। उसके लिए हमें नित स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए सभी केंद्रीय विद्यालयों में एक प्रोग्राम चलाया गया है जिसका नाम है स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत। प्राथमिक कक्षाओं से लेकर कक्षा 12वीं तक सभी बच्चों का उम्र व कक्षा के आधार पर विभिन्न स्किल्स का टेस्ट किया जाता है, जो है लोकोमोटर स्किल्स, बॉडी मैनेजमेंट स्किल्स, मैनिपुलेटिव स्किल्स। जहां तक लोकोमोटर स्किल्स का सवाल है, उसके अंतर्गत वॉकिंग, रनिंग, होपिंग, स्किपिंग, स्लाइडिंग, चेजिंग, डोजिंग एक्सरसाइज आती हैं, जो बच्चों के लोकोमोटर स्किल्स को इम्प्रूव करने में मदद करती है। नेक्स्ट है बॉडी मैनेजमेंट स्किल्स। इसके अंतर्गत टर्निंग, ट्विस्टिंग, बैलेंसिंग, जंपिंग एंड लैंडिंग, स्ट्रेचिंग इत्यादि एक्सरसाइज कराई जाती है व इनका आंकलन किया जाता है। और अंत में आती है मैनिपुलेटिव स्किल्स, जिसके अंतर्गत थ्रोइंग, कैचिंग एंड कलेक्टिंग, किकिंग, ड्रिबलिंग, बॉलिंग, स्ट्राइकिंग विद इक्विपमेंट्स आती है। इन्हीं स्किल्स के आधार पर बच्चों के स्वास्थ्य का आकलन किया जाता है। और अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, अर्थात बिना स्वस्थ शरीर के स्वस्थ हमारा मस्तिष्क भी पूर्णतः विकसित नहीं हो सकता है। धन्यवाद एवं जय हिंद। Respected Principal Ma'am, teachers and my dear lovely friends, today is 29th August 2020 and as you all know we are celebrating National Sports Day, commemorating the birth anniversary of Major Dhyan Chand, the hockey wizard of India. As you know, a new respiratory disease called COVID-19 is spreading across the world. India, more than 32 lakh people who have suffered from this COVID-19. And more than 59,000 people are lost their life due to this deadly disease. To avoid COVID-19, we have to maintain social distance, avoid physical contact like handshake, and keep yourself physically fit by doing exercise daily. There's a lot of stress right now with what's going in the world, and I don't want people to forget the wonderful benefit of exercise. Exercise is medicine. It is a wonderful way to de-stress and maintain our sanity in these difficult times. It is important to keep our stress level down, but also to keep our health in right way and keep ourselves strong. Don't let your muscles become sedentary. Since we are staying at home, we have to keep our fitness for better health. You don't have to buy a lot of equipment to do exercise in your home. You can use chair or steps to do exercise. You can use any equipment in your home. You can use wall to do wall sit. You can use steps to do step ups. You can use your body weight to do push-ups or plank. You can do short running. Running is one of the most straightforward way to get important benefit of exercise. Running is the best way to improve cardiovascular health. And plus,
It burns calories and can build strength. There are a lot of ways that you can get exercise at your home. Only you have to know about some series of exercise. And you can do it for some time, like 30 second interval of 10 exercise, which minimum take your 5 minutes, and then you could do 4 round of that series of exercise. That would give you 20 minutes of exercise daily. Next important thing is to eat healthy food like green vegetables and fruits. Benefit of eating healthy foods are, it protect your heart health, it improve your memory, it gives you strong bones and teeth, it improve your mood, and one more important thing that you should not eat junk food because it is not good for your health. It need a lot of exercise to burn the calories you take in with the junk food. Try to eat homemade food and follow a proper diet. So these are some important things to avoid COVID-19, and stay home, stay safe, take care of your health, exercise daily. Thank you. Hello, this is Kanishk Srivastav from Kendriya Vidyalaya number 3, Sagar. तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इस COVID-19 पैंडेमिक में हम अपनी बॉडी को घर पर रहकर ही कैसे फिट रख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह बीमारी पूरी दुनिया भर में काफ़ी तेज़ी से फैल चुकी है, और दूसरे देशों की तरह भारत में भी यह बीमारी काफ़ी तेज़ी से फैल रही है। सभी स्कूल, कॉलेजेस, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम्स और लगभग सभी ऑफिसेस बंद हो चुके हैं। ऐसे में इस बीमारी से बचने के लिए जब डॉक्टर्स ने इस पर रिसर्च की तो वे बताते हैं कि हमें बीमार व्यक्तियों से दूरी बनाए रखना है, क्योंकि उनके मुंह से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं वे इसके मुख्य कैरियर हैं, जिसके कारण हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम काफ़ी प्रभावित होता है, जिससे हमें खांसी आती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, गले में दर्द होता है। इससे बचने के लिए 4 चीज़ों का ध्यान रखें। पहला, हमें रेगुलर मास्क लगाना है। हम जब कभी भी घर से बाहर निकलें, ध्यान रहे कि मास्क लगाकर ही निकलें। दूसरा, हमें अपने हाथ रेगुलर सैनिटाइज करने हैं। तीसरा, हमें बीमार व्यक्तियों से दूरी बनाए रखना है। चौथा, और जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, वो ये है कि हमें अपने शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाना है और अपने लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाना है। इसके लिए कुछ योग क्रियाएं और व्यायाम काफ़ी उपयोगी हैं। ये योग क्रियाएं और व्यायाम आप अपने परिवार वालों के साथ मिलकर करके स्वस्थ रह सकते हैं। कुछ उपयोगी एक्सरसाइज जो कि मैंने अपने फैमिली के साथ की, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। जैसे पुशअप्स, सिटअप्स, स्ट्रेचिंग, स्किपिंग। लेकिन इसके पहले आप अपनी बॉडी को वार्म अप करना ना भूलें। वार्म अप काफ़ी ज़रूरी है। आप अपने घर की छत या टेरेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वे सभी चीज़ें जिनसे आपको इम्यूनिटी मिलती है, उन सभी चीज़ों का आपको सेवन करना है। वे सभी योग क्रियाएं, व्यायाम जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम और लंग्स को स्ट्रॉन्ग करती हैं, उन सभी क्रियाओं का पालन करना है। जैसे प्राणायाम, यह क्रिया है तो सरल पर इसका प्रभाव काफ़ी बड़ा है। इसके अलावा भ्रामरी, भस्त्रिका, दिन में 20 से 21 बार ओम का उच्चारण, यह केवल आपके मेंटल हेल्थ को ही नहीं बल्कि फिजिकल हेल्थ को भी बढ़ाता है। ये सभी योग क्रियाएं और व्यायाम आपको खुश और स्वस्थ रखेंगी। और अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मास्क लगाएं, और ज़रूरत के समय ही घर से निकलकर देश हित में अपना योगदान दें। जय हिंद, जय भारत।
फ्रेंड्स, माय नेम इज शिवान शिपकर ऑफ क्लास 12 फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय नंबर 3 सागर। टुडे आई एम हेयर टू टेल यू अबाउट व्हाट इज कोविड 19 एंड हाउ फिटनेस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोविड 19। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू अबाउट व्हाट इज कोविड 19। कोरोना वायरस कोविड 19 इज एन इन्फेक्शनस डिसीज विच इज कॉज्ड बाय अ न्यूली डिस्कवर्ड वायरस कोरोना वायरस। कोविड 19 वायरस विल एक्सपीरियंस मिल्ड टू मॉडरेट रेस्पिरेटरी इलनेस एंड रिकवर विदाउट रिक्वायरिंग स्पेशल ट्रीटमेंट। ओल्डर पीपल्स हु सफरिंग फ्रॉम मेडिकल ट्रीटमेंट्स लाइक कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, कैंसर पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट्स आर मोर लाइकली टू डेवलप सीरियस इलनेस। Now, how it spreads? It spreads primarily through droplets of saliva discharged from nose when an infected person cough or sneeze. So it is important that you also practice respiratory by coughing into flexed elbow. Now, how to protect yourself from this disease? By washing your hand using alcohol-based rub frequently and do not touch your face. So now let's come to the main topic, how fitness plays important role to protect from COVID-19 or any other diseases. So physically active and hence immune functions are reduced inflammation. Therefore, it could be reduce the severity of infection. Physical activities improves common clinical condition that increase the risk of serve of COVID-19. During an infection, our immune system finds virus and attacks. When we are physically active, working muscle produce compounds that help to boost our immune system and make us less susceptible to infection of COVID-19. Also, participation in regular physical activities reduce symptoms of depression, anxieties in adults and older adults and reduce the risk both developing depression and improving the symptoms of depression. So how do we start or maintain physical activity during the time of lockdown with social distancing? There is no minimum time to perform any exercises activity. It can be of 30 minutes, 20 minutes, 1 hour, 2 hours. Just move more frequently throughout the days, it all add up. Walking is one of the safest and most readily accessible physical activity to maintain physical activity during a time of lockdown with social distancing. Personally, I suggested some of the exercises that you can do at your home with social distancing. First, go for a bicycle ride. You don't need any expensive bike. Older bike without a lot of gear can really work for your muscles. Next, run up and down stairs. Use a flight of stairs or you can do step up and down outside a doorstep. Try some free weight. You don't need any dumbbells. Use a vegetable, a can from your cupboard or fill with a water bottle with dirt and sands to biceps and curls. You can also try some squats. Fill a backpack with your book, hold it in front of your body, your arms through the straps and then squat. You must ensure that your body posture should be upright and in 90 degree and go slowly down. Next, one of my favorite exercises, put on your favorite music and dance. Personally, I used to listen Punjabi songs because of their bass and beats. You can listen whatever you wanted to listen according to your taste. You can also try some free online workout classes. Many of the health clubs are offering free workout classes. You can also try some yoga for meditation and relaxation techniques. Everything counts, find opportunities to move. So and last, I think you are ready to do some exercise with full of spirit and desire. So and last, stay fit, stay healthy. Thank you so much. आज के इस महान अवसर पर जो पूरे भारत में खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, आप सभी को इस दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3 की माननीय प्रिंसिपल महोदया जो को धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इस महान दिवस पर मुझे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया और साथ ही केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3 के समक्ष समस्त शिक्षक गणों को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे पूरे भारतवर्ष में 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि स्वर्गीय मेजर ध्यानचंद्र जी के जन्मदिन पर, जो कि हॉकी के जादूगर थे, उनकी याद में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद्र जी का आज जन्मदिन है और मैं आप सभी को इसकी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और ये एक ऐसी हस्ती थे जिन्होंने अपने खेल के जादू से पूरे भारत का, पूरे विश्व में नाम रोशन किया। और कबड्डी के खेल की मैं खिलाड़ी हूँ। मैंने 2010 में इंटरनेशनल प्रतियोगिता में भाग लिया और ऐसे कई नेशनल प्रतियोगिताओं में मैंने गोल्ड मेडल हासिल किए हैं
और 2004 से लेकर 2015 तक मैंने नेशनल प्रतियोगिताओं में भाग लिया। और मैं आपको बता दूं कि मेरे जो कोच हैं जिन्होंने मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया, वो और कोई नहीं इसी विद्यालय के खेल शिक्षक हैं माननीय राजेंद्र सिंह गौर, और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। और एक बार फिर आप सभी को इस दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद।